केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज केरल के वायनाड में होंगी। ईरानी वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करेंगी। अमेठी की सांसद वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी असम में आएं और प्रचार करें। इससे बीजेपी को फायदा होगा और सैकड़ों कांग्रेसी पार्टी छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिए प्रेम ही मुद्दा है। अगर आप जनता से प्रेम करते हैं तो आप अच्छी संरचनाएं बनाएंगे और व्यवस्थाएं करेंगे। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम छिंदवाड़ा जीतेंगे और 200% जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने वोट समीकरण को लेकर यह भी कहा कि छिंदवाड़ा में मेरा लक्ष्य 5 लाख वोट से जीतने का है। हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और उनका प्रचार अभियान कूचबिहार से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री लंबे समय बाद आ रहे हैं, लोगों को इसका इंतजार था, हर कोई खुश है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि देश में 10 साल से तानाशाह सरकार काम कर रही है। जो भी ज्यादा बोलता है उस पर ईडी आईटी के छापे डाल दिए जाते हैं। अगर अब भी हम नहीं जागे तो देश में न लोकतंत्र बचेगा न आजादी। कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। हो सकता है आज पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करें। आपको बताएं कि पूर्णिया से एनडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आरजेडी की बीमा भारती ने नामांकन कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कंगना रनौत की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने महनाक गांव में लोगों से मुलाकात की और चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव में थर्ड जेंडर की एंट्री हो गई है। दमोह के चुनावी अखाड़े में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर दुर्गा मासी ठोकेंगी ताल। दुर्गा मौसी नामांकन फॉर्म भरने के लिए कटनी से स्कूटर से दमोह पहुंची और अपना नामांकन भरा। हैदराबाद में एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक शानदार वीडियो सामने आया। यहां ओवैसी वट्टेपल्ली में आयोजित दावत इफ्तार में शामिल हुए। दावत से पहले दुआ और एक दूसरे को रोजे मुबारक का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ रहा है।